हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं बहुत 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 ही बढ़िया वेंडिंग ट्रे बताने वाली हूँ, वो भी वेस्ट में से बेस्ट। गाइस, मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि आपके घर पे जो सामान वेस्ट रहा उसी में से आप कुछ बेस्ट बना सको, और आज मैं वैसे ही कुछ बताने वाली हूँ। आज मैं ड्रेफूट ट्रे भी बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत आइडिया मिलेगी। गाइस, अगर आपको ये वेंडिंग ट्रे रेंट पे चाहिए तो भी मिलेगी। गाइस, 200 रुपीज 4 डे का है, और डिपॉजिट करना है 500 रुपीज। अगर आपको एक दो दिन एक्स्ट्रा चाहिए तो 50 रुपीज डेली एक्स्ट्रा लगेगा। गाइस, और भी एक बात मैं बोलना चाहूंगी। गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं न्यू डिजाइन क्रिएट करती रहती हूँ। गाइस, ऐसे ही पैकिंग नहीं बताया मैंने, कोई भी रेडीमेड मैंने डॉल यूज नहीं किए आज तक। मैंने पैकिंग में बहुत सारा शेयर किया आपसे, ऐसे ही नहीं कि रेडीमेड बास्केट लेके आई और एक डॉल लेके चिपका दिया। मैं हैंडमेड डॉल, गुड्डा गुड्डी, बहुत कुछ मैंने क्रिएट किया है। अभी लेटेस्ट मैंने पीकॉक वाले वेंडिंग ट्रे बताई है। गाइस, वो भी हाथों से मैं पीकॉक, ऐसे नहीं कि रेडीमेड पीकॉक लगा दिया और फेदर्स लगा दिया। गाइस, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं वेंडिंग इसमें बहुत कुछ न्यू बताने वाली हूँ। बहुत अलग अलग, मैं एंगेजमेंट के लिए अलग गुड्डा गुड्डी, फिर बिंदी के लिए मैंने अलग बार्बी गर्ल यूज किया था, मैंने बनाया था अपने हाथों से, और फिर एलिफेंट अलग अलग। मैं ड्रैफूड में भी बहुत सारा मैंने क्रिएट किया है। आज भी मैं ड्रैफूड वेंडिंग के लिए बताने वाली हूँ। ये वीडियो पूरा देखिए गाइस, ताकि आपको बहुत आइडिया मिल सके। गाइस, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत मेहनत लगती है अलग अलग क्रिएट करने के लिए, डॉल क्रिएट करने के लिए, तो मैं बेस्ट बता सकूंगी, बेस्ट में से बेस्ट बताऊंगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैंने बहुत ही बढ़िया ये डॉल की वेंडिंग ट्रे बताने वाली हूँ। गाइस, ये डॉल मैंने गाउन पैकिंग में बताई है, इसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी। तो सीखते हैं बहुत ही प्यारी डॉल वेंडिंग ट्रे। गाइस, ब्लाउज के लिए मैंने इस तरह से लेस थी मेरे ड्रेस की पुराने, उसी से मैंने काटा है। पहले इस तरह से मैंने फोल्ड करके यहाँ पे वी शेप कट दिया, और यहाँ से थोड़ा यू कट कर दिया। अभी हम यहाँ पे अटैच करेंगे एक साइड सिलाई करके, और यहाँ पे और यहाँ। अभी इसके लहंगे के लिए इस तरह मेरे ड्रेस में से निकला है एक, वही यूज करूंगी। इसको यहाँ से थोड़ा मैं कट कर दूंगी, और फिर चुन्नट चुन्नट लेके इस तरह से लहंगा हम अटैच करेंगे। गाइस, इस तरह का स्पंज मैं डाल रही हूँ, आप कॉटन भी डाल सकते हैं। मैंने इस तरह से जो गर्दन थी उसकी, और इस तरह से रैप करते हुए इसके अंदर स्टफिंग करना है। गाइस, ये मेरे स्लीव्स में, ड्रेस के स्लीव्स में था, वही यूज कर रही। पहले मैं ये यूज करने वाली थी, ये भी ड्रेस का ही है, पर अब मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, थोड़ा लॉन्ग चाहिए था इसलिए। तो ये मेरे ड्रेस में से मैंने स्लीव्स काट के यहाँ पे लगा रहे हैं। गाइस, नीडल और थ्रेड की हेल्प से थोड़ा फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिचेस लेते जाना है राउंड में, पूरा खींच के इस तरह से इसकी कमर बना देनी है। अभी इसको हम इस ब्लाउज के साथ राउंड में सिएंगे, ये बीच का खुला रखना है, साइड से ही पूरा सीना है। गाइस, स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से लेस काटी है, उसको दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की तरफ, यानी ये इस तरफ और ये इस तरफ, और फिर वापस फोल्ड, यहाँ से बाहर से सिलाई करनी है, इस तरह और फिर इस तरह, और फिर बाहर से सिलाई करना है इस तरह। इस तरह से ये पूरा कवर करना है, और फिर हमें इस तरह से यहाँ पे स्लीव्स पे लगाना है, पूरा ऐसा राउंड सी लेना, ये जो राउंड हमने काटा था वही।
गाइस इस तरह से स्लीव्स को बाहर से पूरा इस तरह से राउंड में सी लेना है। गाइस मैंने इस तरह से एक रोज काटा है ये ड्रेस में से। अभी इसको हम इस तरह से रोज जैसे रैप करेंगे और ऑर्नामेंट्स बनाएंगे और मोती के साथ अटैच करेंगे। गाइस इस तरह से रोज बना के अभी यहाँ पे हम पूरे मोती पिरोएंगे। गाइस इस तरह से मोती पिरो के यहाँ पे अटैच कर देना है। गाइस यहाँ पे इस तरह से मोती पिरो के यहाँ पे अटैच कर दो। गाइस मैंने फ्लावर को इयर रिंग्स के लिए इस तरह से काटा है। अभी इसको राउंड राउंड घुमाते हुए वापस इस तरह से फ्लावर क्रिएट करना है और अंदर एक मोती। इस तरह से ये छोटे रोज हम इयर रिंग्स बनाएंगे। गाइस गले का ऑर्नामेंट्स एक मैंने टाइट इस तरह से किया, एक लॉन्ग करके एक फ्लावर डाल के थोड़ा लॉन्ग हम इसको क्रिएट करेंगे। अभी हम इसको हॉट ग्लू के हेल्प से इसको अंदर इसे अटैच करना है इसके अंदर फेस को। गाइस यहाँ पे कमर पे हाथ पे और यहाँ पे बॉर्डर इसको यहाँ पे लगाने का है गाइस। और चुन्नी पे भी इस तरह से मैंने कट किए तो ये पूरा यहाँ पे हम ब्लू कलर की लेस लगाएंगे। ये होने के बाद यहाँ पे वापस मोती की एक कमर का पट्टा हम क्रिएट करेंगे और हैंड्स पे भी एक बैंगल जैसा कड़े जैसा एक बनाएंगे मोती से। गाइस बहुत ही बढ़िया ये डॉल बन के रेडी हुई है। उसकी चुन्नी को मैंने यहाँ पे अटैच किया है नीडल और थ्रेड की हेल्प से। आप हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हैं गाइस। और यहाँ पे भी कमर में पूरे बिट्स लगा के यहाँ पे फ्लावर अटैच किया है और हैंड्स में भी इस तरह से बिट्स लगा के यहाँ फ्लावर अटैच किया है, यहाँ लेस अटैच की है गाइस। बहुत ही प्यारी और सोनी लग रही है ये डॉल, रोज वाली डॉल। तो इस रोज डॉल के लिए कितने लाइक्स रहेंगे, लाइक करना ना भूले और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसी न्यू डिजाइन मैं क्रिएट करती रहती हूँ गाइस। क्योंकि आप बाहर से ये लेने जाओगे डॉल तो कितनी महंगी, इतनी बड़ी डॉल लेने जाओगे तो 250-300 रुपये लग जाएगा गाइस। तो मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि घर के सामान में से आपको बहुत ही बढ़िया वेंडिंग ट्रे बता सकूँ और रेंट पे भी मेरे यहाँ आप अगर मुंबई में रहते हो तो आपको रेंट से भी मिल जाएगी। गाइस मैंने इस तरह से थोड़े थोड़े पीस में ये अटैच करूंगी तो ये आप चिपका भी सकते हैं और नीडल और थ्रेड से अटैच भी कर सकते हैं। गाइस नीडल और थ्रेड की हेल्प से मैंने अभी इतना पहले ज्वाइन कर दिया नीडल और थ्रेड से, फिर वापस यहाँ से ज्वाइन करके वापस यहाँ से ये ज्वाइन करते हुए ये पूरा अटैच कर लूँ। गाइस ये थोड़ा बड़ा रखना है ताकि ये थोड़ी थोड़ी चुन्नट आए। गाइस आज मैं आपको दो ट्रे बताने वाली हूँ। ये साड़ी के लिए मैंने इस तरह से क्रिएट किया, एक बॉक्स के अंदर एक कुर्ता डाल के एक कपड़ा उसको रैप कर दिया और कुछ भी नहीं किया मैंने। खाली अंदर ही कपड़ा लगाया बॉक्स के अंदर। गाइस अभी ये पाइप को हमें यहाँ ज्वाइन करना है, ये दूसरी ट्रे बनेगी और वेंडिंग ट्रे अलग बनेगी साड़ी के लिए। तो ये पाइप को भी हम हॉट ग्लू से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और ये कपड़े को यहाँ से अटैच कर देंगे। इसके बाद मेरे पास एक क्रोशे का इस तरह था, आपके पास नहीं रहा तो कोई भी कपड़ा आप रैप कर सकते। मैंने एक ढक्कन का कपड़ा लिया उसके ऊपर ये चिपका दिया। अभी ये एक कार्डबोर्ड यूज किया मैंने, अभी ये इसके ऊपर हम सब चिपका देंगे और फिर ये रिंग को इस तरह से हमारी ये बहुत ही खूबसूरत ट्रे बन जाएगी। आप इसमें ड्राई फ्रूट और फिर हल्दी मेहंदी कुछ भी मेकअप का स्वीट जो भी पर्पज के लिए आप यूज करना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया लगेगी। गाइस मैंने इस रिंग के अंदर ड्राई फ्रूट इस तरह से पैक कर दिए, पाव पाव किलो के इस तरह के 4 पैकेट मैंने इसमें डाल दिए गाइस। फिर अभी जो भी आपको ड्राई फ्रूट लेना है वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सेलो टेप लगाएंगे।
तरह से पूरे इसको सेलो टेप लगा देना। गाइस इस तरह से मैंने सब अटैच कर दिए इस तरह से। अब हम इस गुडी को बैठाएंगे इसके ऊपर। इसको भी हम सेलो टेप की हेल्प से यहाँ पे सब अटैच कर देंगे। गाइस मैंने पीछे से ये पूरा लेते हुए ये यहाँ पे सेटिन रिबन बांधी है और एक ब्रॉच बना के यहाँ ब्रॉच लगा के यहाँ फ्लावर अटैच किया है। और इस तरह से मैंने पेपर से एक दो हार्ट कट किए, एक बड़ा और छोटा। आपको जिसको देना है टू और फ्रॉम लिख के इस तरह से कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। गाइस अब मैं बताऊंगी वेंडिंग साड़ी इस डॉल के साथ। ये वीडियो पूरा देखिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए गाइस, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। मैं बहुत ही शॉर्टली बताती हूँ कि कैसे करना है। गाइस वेंडिंग साड़ी को इस तरह से लंबा ये कर दीजिए फोल्ड। गाइस जिस तरह से हम पाटली लेते हैं पूरी साड़ी में, वैसे ये पूरी एंड तक पाटली लेना है। गाइस दोनों बॉर्डर को इस तरह से लास्ट में रख देना है और इस तरह से बीच में पाटली ले लेना है। गाइस इस तरह से मैंने इस रिंग को रिंग में इस तरह से साड़ी को बैठा दिया है। गाइस फर्स्ट प्लीट और लास्ट प्लीट को थोड़ा एक चिमटा या नीडल और थ्रेड की हेल्प से यहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाकी कुछ भी हमें एक पिन या कुछ भी अटैच नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली साड़ी रहती है वेंडिंग साड़ी। और वो पूरी बॉर्डर को इस तरह से बाहर दिखे इस तरह से आप इसको इस ट्रे में इस तरह से रख दीजिए। अभी आपको करना क्या है, खाली ये डॉल जो हमने बनाई है वो यहाँ पे यहाँ बैठा देना है। है ना बहुत इजी और बहुत ही अमेजिंग। गाइस सही में बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी कि ये वेंडिंग ट्रे आप बिना खर्चे कितनी बढ़िया ट्रे क्रिएट हो गई है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और बहुत बढ़िया आपके वेस्ट कपड़ों में से वेस्ट लेस में से बन जाती है। तो एक लाइक तो बनता है इस सोनिक गुड्डी के लिए, बहुत ही खूबसूरत गुड्डी रोज वाली डॉल के लिए। थैंक यू गाइस। अगर आपको इस साड़ी को कोई भी पिन नहीं लगानी है और ये भी ट्रे भी यूज़ नहीं करना है, तो आप इस बॉक्स में इसको रख के एक खाली यहाँ पे एक थोड़ा सा इधर थोड़ा इस तरह से फोल्ड करके इस गुड्डी को यहाँ पे इसके अंदर इसके ड्रेस के अंदर इस तरह से बैठा दीजिए। इसको डबल टेप की हेल्प से यहाँ पे हम इसको स्टिक कर सकते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। ऐसे ही न्यू आइडिया के साथ फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय सी या गाइस। इस डॉल को दिया डेकोरेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही क्यूट सी डॉल लगेगी। इसके आजू बाजू आप और रंगोली से क्रिएट कर सकते हैं इस डिजाइन को। हाफ सर्कल में आप कुछ भी रंगोली और इस डॉल को बैठा दोगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा।